नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हिरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट, सिविल सेकंड ईयर के सब्जेक्ट C 205 के एक टॉपिक को यहाँ पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यूनिट 1 को हम यहाँ समझ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एनहांसेस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी। दे आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन हियर। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास में यातायात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र या प्रांत के आर्थिक विकास में यातायात का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उपभोग के लिए उत्पादित किए जाने वाली कोई भी वस्तु या सामग्री, चाहे वह भोजन हो या कपड़ा, दवाई या अन्य कोई पदार्थ आदि के वितरण के लिए यातायात की अति आवश्यकता होती है। हम जानते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए यातायात के साधनों की परम आवश्यकता होती है। उत्पादन उसी से बढ़ेगा। किसी एक व्यक्ति को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो यातायात के साधनों से सुगमता होती है। कंजम्पशन भी जो है वो भी इसी से डिसाइड होता है कि कितना अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के साथ साथ यदि हम सोशल इफ़ेक्ट्स की भी बात करें तो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के यातायात के साधन होते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। हम यहाँ इन चारों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले रोडवेज के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ यूज्ड एटलीस्ट समवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल सप्लाई चेन। किसी भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो अधिकतर हम देखते हैं कि रोडवेज बहुत ही एक सरलतम साधन के रूप में विकसित हुआ है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज़ को पहुंचाया जा सकता है। ट्रैवल स्पीड बढ़ जाती है हमारी, नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। इजी टू मॉनिटर लोकेशन ऑफ गुड्स, कनेक्ट स्मॉल टाउन्स, मोस्ट व्हीकल कैन यूज़ दिस मोड। ये हमने देखा। देश के अंदरूनी भागों तक पहुँचना सड़क द्वारा ही संभव है। एक गाँव का संपर्क दूसरे गाँव से, उत्पादन केंद्रों का संपर्क बाजार से सड़क द्वारा ही होता है। तो हमने देखा कि सड़क पृथ्वी के धरातल पर एक पक्की सी पट्टी होती है जिस पर कारें, जीप, ट्रक, साइकिल, कहने का मतलब है सभी प्रकार के व्हीकल्स जो होते हैं बड़े सुविधापूर्वक चलते हैं। यात्री और सामान को ढोने का यह सबसे अच्छा साधन माना गया है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। Cannot be used for very long distances. अगर हम देखें बहुत ही लंबी दूरी यदि हमें तय करनी हो तो हम रोड को कम यूज़ करते हैं। Vulnerable to congestion and traffic delays. भीड़ भाड़ हो जाता है, इसे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो ट्रैफिक डिले होता है, हम पहुँचने में देरी हो जाती है। Dependence on fuel price, बहुत important ये एक point है। मोर स्पीड कैन कॉज टू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ा एक समस्या है रोड के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम देखते हैं, पोल्यूशन रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज। रेलवेज इज द मोस्ट यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैवी एंड लार्ज लोड्स और लॉन्ग लैंड जर्नी।
रेल भी यात्री व सामान ढोने का एक बहुत ही उपयोगी साधन है। रेल मार्ग लोहे की दो समानांतर पटरियों के ट्रैकों को कहते हैं जिन पर रेलगाड़ियां चलती हैं। रेल मार्ग में लोहे के पहिए लोहे की पटरियों पर चलते हैं। लोहे के पहिए और पटरियों में जो घर्षण प्रतिरोध होता है सड़क के कंपैरिजन में कम होता है, 1/6 या 1/5 ही होता है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। लोवेस्ट ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट वेट। कॉस्ट किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो रेलवे में हमेशा कॉस्ट सबसे कम आती है, इसीलिए रेलवे को सबसे ज़्यादा चुना जाता है। रेलवे इज़ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, निश्चित रूप से। लेस फ्रिक्शन इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, फ्रिक्शन कम होता है। कैन बी मोर इफेक्टिव व्हेन लिंक्ड इनटू मल्टी मोडल सिस्टम। ये मल्टी मोडल सिस्टम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। कंफर्टेबल जर्नी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, रेल की जो जर्नी है काफ़ी ही आरामदायक कंफर्टेबल होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रूट्स बिटवीन फिक्स्ड टर्मिनल, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य ही ट्रेन रुकेगी। कैनॉट स्टॉप एट इंटरमीडियरी स्टेशन और पॉइंट, बीच में नहीं रुक सकती। रेल ट्रांसपोर्ट कैनॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, जिस जो एडवांटेज था रोड ट्रांसपोर्ट का कि एक घर से होते हुए हम दूसरे घर तक किसी भी रोड ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हैं, वह सुविधा हमें रेलवे में नहीं मिल पाती है। सिंस मोर ट्रैफिक एंड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हैंस इज नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरिया, इसका जो प्री इन्वेस्टमेंट है रेलवे के जो स्टेशंस को बनाने का, मॉडल्स को बनाने का, वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रूरल एरियाज में आज दिनांक तक भी सभी स्थानों पर रेलवे नहीं पहुँच पाया है। अन इकोनॉमिकल कल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अभी हमने देखा था कि इकोनॉमिकल है किंतु अगर छोटे डिस्टेंस में बात करें तो उतना इकोनॉमिकल नहीं पड़ पाता है। अब हम बात करते हैं अन्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, इंपॉर्टेंट वन की, वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर क्राफ्ट सच एज बोट, शिप, सेल बोट ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज सी, ओशियन, लेक, कैनल। पानी के जहाज़ों के माध्यम से यात्री वह सामान, माल जिसे कहा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में ढोया जाता है। जल मार्गों से ही अधिकतर बाहरी देशों को सामान भेजा व मंगवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना। माल ढोने का यह सबसे कम खर्चीला साधन है लेकिन इस माध्यम से समय दूसरे साधनों से ज़्यादा लगता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, बिल्कुल। फॉर प्रोडक्ट्स विद लॉन्ग लेट टाइम्स, चीपर ट्रैफिक मीन्स है इसका। ऑल्दो द हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ऑफ सी ट्रेवल फॉर पैसेंजर्स हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द राइज ऑफ कमर्शियल एविएशन, अब जो नए संसाधन आ गए हैं उससे वाटर वेज की जो हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल वेरी इफेक्टिव फॉर शॉर्ट ट्रिप्स एंड प्लेजर क्रूजेस, इसका एक अलग ही आनंद है। While slower than air transport, modern sea transport is a highly effective method of moving large quantity of non-perishable goods, जिसकी बात करी हमने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माल को पहुंचाने में कम खर्चीला साधन है। Transport by water is significantly less costly than transport by air for transcontinental shipping, जिसकी हमने बात करी, एक देश से दूसरे देश में यदि सामान पहुंचाना है तो वाटर वेज ही सबसे उपयुक्त साधन होता है। डिसएडवांटेजेस देखें, जल में मॉनिटरिंग संभव नहीं हो पाती है, डिफ़िकल्ट होती है, किंतु आजकल जीपीएस सिस्टम आ गए हैं तो यह समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है। लिमिटेड टू अप्रोप्रिएट पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स तक ही सीमित होता है। ट्रांसफर्स टू शिप्स टेक टाइम, समय बहुत ज़्यादा लगता है। डिपेंडेंस ऑन वेदर कंडीशंस, अगर वेदर सही नहीं है, मौसम सही नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। रिस्की माना गया है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोर रिस्की एज कम्पेयर टू अदर मीन्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ सिंकिंग शिप्स, जहाज डूब जाने का एक खतरा रहता है, तो कहा गया है कि ये रिस्की है। अब एयरवेज के बारे में देखते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का सबसे फास्ट साधन है। इट हैज रिड्यूस डिस्टेंसेज बाय मिनिमाइजिंग द ट्रेवल टाइम। यातायात का यह साधन केवल धनवान लोगों के लिए है समाना जाता है। इसमें आवागमन में समय बाकी सब साधनों से बहुत कम लगता है। यह यातायात का सबसे अधिक खर्चीला साधन है। आजकल तो एयरवेज की भी कॉस्ट काफी रिड्यूस हो गई है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अनब्रोकन जर्नी, एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स अनब्रोकन जर्नी ओवर लैंड एंड सी। समुद्र से ऊपर भी जाना है तो रुकना नहीं पड़ता है, हम अनब्रोकन जर्नी कर सकते हैं। रैपिड है, बहुत फास्ट है, हाई स्पीड है, कंफर्टेबल है, क्विक सर्विस मिलती है। नो इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक, कोई ट्रैक व्रैक नहीं बनाना किसी प्रकार का, वो खर्चा बच जाता है। नो फिजिकल बैरियर, किसी प्रकार की कोई रुकावट बीच में नहीं आ जाती है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। वेरी कॉस्टली, कॉस्टली तो है भाई। स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी, माल ढोने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी कम है। बिट अनसर्टेन एंड लेस रिलायबल, ब्रेक डाउन एंड एक्सीडेंट्स होने का भी चांस रहता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट है भाई, महंगा है। स्पेशलाइज्ड स्किल नीडेड, चलाने में और मेंटेन करने में कुछ स्किल्स की आवश्यकता रहती है। अनसूटेबल फॉर चीप एंड बल्की गुड्स, यदि कुछ सस्ते माल को भेजना है या कम खर्चे में हमें माल को भेजना है तो यह साधन उपयुक्त नहीं है। और लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं, वो हम जानते ही हैं। अब साथियों, इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमने चार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे, कौन कौन से, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोडवेज, जिसमें सड़क मार्ग जिसे कहा गया है। रेलवेज, जिसे हमने रेलवेज रेल मार्ग कहा जाता है। जल मार्ग वाटरवेज, और वायु मार्ग एयरवेज। ये चार साधनों के अलावा एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट होता है। कि इसमें क्या होता है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो अलग अलग साधनों के उपयोग द्वारा किसी व्यक्ति को तथा माल को पहुंचाया जा सकता है, जिसे मल्टी मोडल कहा जाता है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नोन एज कंबाइंड ट्रांसपोर्ट। बड़ी सरल सी बात है, कोई अन्य प्रकार का ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसमें कंबाइंड ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है। इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है अलग अलग साधनों में बैठ के। बट परफॉर्म्ड विद एटलीस्ट टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द एंटायर कैरिएज, इवन दो इट इज परफॉर्म्ड बाय सेवरल डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल का, सी का, रोड का, इसमें हम सहायता ले सकते हैं। द कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कैरिएज इज रिफर्ड टू एज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, MTO कहते हैं। उसे कैरियर कहा गया, एक व्यक्ति ने जो कि MTO है, उसने क्या किया, एक इस प्रकार की सुविधा प्रदान करी जिसमें किसी व्यक्ति को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में अलग अलग यातायात के साधनों का प्रयोग हुआ, उसे हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो हमारा टॉपिक है, ये यूनिट फर्स्ट का हमने जो 1.3 यातायात के जो अलग अलग साधन होते हैं, विभिन्न माध्यम होते हैं 1.2 में, वो यहाँ पर देखा। चार प्रकार के माध्यमों को यहाँ पर हमने समझा कि सड़क मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है। आगे के चैप्टर्स में हम लोग सड़क यातायात के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हाईवे टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तथा हाईवे की जो इंजीनियरिंग होती है उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, उसके क्या क्या इकोनॉमिकल साइड्स होते हैं और क्या क्या सोशल साइड्स होते हैं, तो ये जानकारी होना हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आशा है आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।